हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आदरणीय कृष्णपाल सिंह गुजर जी, राव नरवीर सिंह जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, विपुल गोयल, मूलचंद शर्मा जी, टेकचंद शर्मा जी, विमला चौधरी जी, संदीप जोशी, दीपक मंगला जी, जवाहर सिंह जी, गोपाल शर्मा जी, अजय गौड़ जी, सुरेश भट्ट जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का यह उद्घाटन समारोह निश्चित रूप से हम सबके ध्यान में रहेगा, क्योंकि ये जो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास था, यह ऐसा रोड है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवेन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट इसका मॉनिटरिंग कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भूरेलाल जी के नेतृत्व में एक समिति भी नियुक्त की थी। मैं जब मंत्री बना तो दो बार मनोहर लाल जी को और उनके अधिकारियों को मैंने अपने ऑफिस में आमंत्रित किया था और स्वाभाविक रूप से ये रोड का महत्व यह है कि ये अगर ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास अगर बन जाएगा तो दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन कम हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत इस रोड में है और इसलिए एक प्रकार से ये रोड बनने से आपके क्षेत्र में विकास की गति भी बढ़ेगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का वाक्य का मैं अक्सर उल्लेख करता हूं। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड बनने से विकास होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, किसान अपना माल शहरों तक ले जा सकता है और गांव में भी समृद्धता और संपन्नता आती है। और इसलिए मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बीच में कार्यक्रम में शरीक होने का सौभाग्य मुझे मिला कि हरियाणा में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसके लिए मैं मनोहर लाल जी को और फाइनेंस मिनिस्टर अभिमन्यु जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हरियाणा का विकास हो इसलिए दुनिया भर से काफी बड़ी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हरियाणा के विकास के लिए लाने में मनोहर लाल जी यशस्वी हुए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप समझेंगे इन्वेस्टमेंट आने से क्या होगा। इन्वेस्टमेंट आएगी, उद्योग आएंगे तो रोजगार निर्माण होगा, रोजगार बेरोजगारों को अगर रोजगार मिलेगा तो राज्य का उत्पन्न बढ़ेगा और राज्य की गरीबी दूर होगी। और इसलिए हमारे देश में हम ऐसी आर्थिक नीति को अपनाना चाहते हैं कि जो गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करे। मैं किसान हूं और स्वाभाविक रूप से किसानों की हालत अच्छी नहीं है। गेहूं, चावल को, गन्ने को, शुगर को जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हमारे सरकार ने यह तय किया है कि इस किसान यूरिया यूज करता है तो इस यूरिया से कोयले से यूरिया बनाएंगे और हम चाबहार में एक पोर्ट बना रहे हैं, वहां $2 के भाव से गैस उपलब्ध है। हमारे देश में $15 से $20 से हम गैस से यूरिया बनाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ईरान में चाबहार में अगर हमने गैस से यूरिया बनाया तो दिल्ली से मुंबई जितना डिस्टेंस है उससे भी कम डिस्टेंस कांडला से चाबहार के बीच में है और यूरिया की कीमत 50% से कम हो जाएगी और हमारे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहनों और भाइयों, रोड अच्छे बनेंगे किसानों के लिए उसका फायदा होगा और इसलिए राष्ट्रीय महामार्ग का जब मैं मंत्री बना, हमारी सरकार आई तब 2 किलोमीटर पर डे रोड बनते थे। आज मुझे खुशी हो रही कि आज मैं खड़ा हूं, आज 20 किलोमीटर पर डे हम रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अभी तक हमने 18,000 किलोमीटर 1,50,000 करोड़ के रोड के ऑर्डर दे दिए हैं और जब 26 मई को हमारी सरकार को 2 साल पूरे होंगे तब मेरा विश्वास है कि हम 2,00,000 करोड़ के हाईवे के कामों के कॉन्ट्रैक्ट दे चुके होंगे। और इतना ही नहीं कि मैं जब लाखों करोड़ की बात करता हूं तो आप लोग मुझे जानते नहीं तो लोग मुझे पूछते हैं कि यह कैसे होगा, तो मैं पत्रकार भाइयों को कहता हूं कि मेरी एक एक बात आपके डायरी में लिखवा लेना,
मेरे 30 साल के राजनीति में जो बात मैंने कही और जो हुई नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और इसलिए पैसे के कारण रोड नहीं बनते, विकास करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, विकास की दृष्टि चाहिए। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने सरकार से 10 करोड़ रुपए लिए, 8000 करोड़ लोगों से खड़े किए और ढाई साल में 10000 करोड़ के काम किए। 1996-97 की बात कर रहा हूं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 उड्डान पुल और उस समुद्र में आप जो टीवी पर देखते हैं, वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, ये सब बनाने का सौभाग्य मुझे मिला और जनता के पैसे से काम भी हो गए और पैसे भी वापस हो गए। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने तय किया है कि हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। और इसलिए मैं मनोहर लाल जी को और एक आह्वान करूंगा कि ये तो रोड आपने अभी उद्घाटन हुआ है, पर जो मानेसर कुंडली से मानेसर वाला रोड है उसके लिए भी मोदी जी ने मुझे कहा कि ये पूरा दिल्ली का रिंग रोड जो है, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सबको फायदा देने वाला है, ये 400 दिन में बनना चाहिए। मैंने उनको कहा ये मुश्किल काम है। उन्होंने कहा आप तो कभी मुश्किल की बातें संभव करके दिखा सकते हो, ये ऐसा कैसा कहते हो। तो मैंने कहा कि मैं इसमें जरूर काम करूंगा। आज ही उन्होंने मुझे हवाई जहाज में बताया कि ये जो रोड हरियाणा सरकार बीओटी में बना रही है वो सीमेंट कंक्रीट का बनाना या बिटुमिन का बनाना, इसके ऊपर चर्चा हुई और उन्होंने एनएचआई से सलाह मांगी। यहां आने के पहले तुरंत मैंने एनएचआई में बात की है और कल आपको लेटर मिलेगा कि आप ये सीमेंट कंक्रीट का रोड बना सकते हैं, ताकि आपको इसकी कोई चिंता करने का कारण नहीं है। सीमेंट कंक्रीट का रोड बनने से 50 साल मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। मुंबई और पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे कभी आप आओगे तो वो जब रोड कंक्रीट का बना है उसमें 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी दौड़ती है, पानी का पेट में पानी भी नहीं हिलता। और इसलिए हम अच्छे रोड बनाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी बनाना चाहते हैं। और इसलिए मैं विश्वास रखता हूं कि निश्चित रूप से यह सीमेंट कंक्रीट रोड का भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। वैसे ही मुझे मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी कि द्वारका का जो हाईवे है उसको राष्ट्रीय महामार्ग करके घोषित किया जाए। दिल्ली सरकार का पत्र हमको मिला है, आपने मांग की है, पर उसका फॉर्मेलिटी करके पत्र अभी तक आया नहीं है, पर जैसे भी आएगा तुरंत इसको राष्ट्रीय महामार्ग घोषित करके इस कार्य की हम शुरुआत करेंगे, ये भी मैं आपको वचन देना चाहता हूं। हमारे पलवेल के सभी नेताओं ने मांग की कि पलवेल से जो नेशनल हाईवे जा रहा है इस पे 2 उड्डान पुल बन रहे हैं और 4 चौक आते हैं। अभी मनोहर लाल जी ने मुझे कहा कि ये 2 ब्रिजेस के बजाय और 4 चौक है, ये देखते हुए ये शहर डिवाइड हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि एक ही एलिवेटेड रोड पलवल में आप बनाइए, इस बात का उन्होंने अनुरोध किया है। उनकी बात को मैं पूरी तरह से स्वीकृति देकर पलवल में पूरी तरह से लॉन्ग एलिवेटेड रोड बनेगा, ये भी जाहिर करता हूं। कृष्णपाल सिंह गुजर जी ने हसनपुर पर यमुना पर एक पुल बनाने की बात कही है, उसको राष्ट्रीय महामार्ग बनाकर उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला यमुना के ऊपर जो पुल है, ये भी पुल हम लोग उसको मान्यता देंगे और जल्दी काम शुरू करेंगे, ये मैं उनको विश्वास देना चाहता हूं। डबवाली बाईपास की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, वो भी वहां 4 नेशनल हाईवे आ रहे हैं, मैं निश्चित रूप से इसको भी पूरा कर दूंगा, इसको भी हम लोग बाईपास घोषित करके ये काम निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं मनोहर लाल जी को कह रहा था कि अब ऐसी स्थिति आएगी कि आप मेरे पास कभी रोड के काम के लिए आपको आगे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे मंत्री जी उपस्थित है, जो जो बातें उन्होंने कही उतनी हमने पूरी की है। हम देश में 2 लाख करोड़ के रोड के काम 26 मई के पहले शुरू करेंगे और 60,000 करोड़ के काम हम इनलैंड वाटरवेज और हमारे पोर्ट और शिपिंग में कर रहे हैं। मैं आपको सपना नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि 6 महीने के अंदर हम यमुना में 3 मीटर का पानी मेंटेन करते हुए फर्स्ट फेज में एक जो हरियाणा का गांव है, कौन सा, लाला या पाला, क्या नाम है, पल्ला से वजीराबाद, हम लोग इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत आपके हाथ से 6 महीने के अंदर शुरू कर देंगे, ये भी विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली में आए हुए टूरिस्ट
हमारे यमुना में कैटरमैरन हवरक्राफ्ट और सी प्लेन में बैठे और वहां से पानी से उड़कर आगरा पहुंचे। अब वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग वहां 45 मीटर वीड का करीब 3 मीटर ड्राफ्ट रहेगा ऐसा पानी साल भर मेंटेन करेंगे। इस पानी से किसानों को भी फायदा होगा। जैसे एयरपोर्ट बने हैं, बस पोर्ट बने हैं, वैसे वाटर पोर्ट बनेंगे। जो गंदा पानी दिल्ली का आता है उसके लिए रिसाइक्लिंग प्लांट डालने के लिए दिल्ली की सरकार काम कर रही है। डीडीए जो रिवर साइड डेवलपमेंट का काम कर रही है, ये भी काम अब भारत सरकार ने और विशेष रूप से हमारी संसद ने 111 वाटर वेज को मान्यता दी है। इसका भी काम जल्दी शुरू करने का हमारा प्रयास है। हम पानी पर उतरने वाले हवाई जहाज लेकर आ रहे हैं और इसके कारण भी टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमने मुंबई में एक बस खरीदी की है जेएनपीटी में, जो पानी पे भी चलती है और रोड पर भी चलती है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च, ये भारत का भविष्य है और इसलिए भारत को हमको आगे ले जाना है। मुझे खुशी है हमारी सरकार आने के बाद हमारे 12 मेजर पोर्ट और उसके साथ साथ हमारी 3 फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 15 को मिलकर इस साल पहली साल देश के इतिहास में हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारे इतिहास का पहला साल है कि हमको 6000 करोड़ रुपए मुनाफा हुआ है। बिजनेस व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है। अगले साल 10000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। हमने हमारे फिक्स डिपॉजिट बाहर निकाले हैं, जो क्रेडिटर्स है वो बाहर निकाले हैं। 50000 करोड़ रुपए हमारे पास है। 4000 करोड़ रुपए हमारा टर्नओवर डॉलर में है। एक जापान की बैंक ने हमको 2% के ब्याज से 50000 करोड़ देने का वादा किया है। 1,00,000 करोड़ रुपए हम लोग इनलैंड वाटरवेज में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे देश की तस्वीर बदल जाएगी। आपको पता नहीं होगा कि रोड से जाने में अगर 1.5 रुपये खर्चा आता है, रेलवे से जाने में अगर 1 रुपये खर्चा आता है, तो पानी से जाने में केवल 20 से 25 पैसे खर्चा आता है। चाइना में 47% पैसेंजर और माल इसका ट्रैफिक जो है, गुड्स ट्रैफिक, ये पानी पर है। कोरिया और जापान में 43-44% है। यूरोपियन देश जर्मनी, फ्रांस, इटली, यहां 40% से ज्यादा पैसेंजर और गुड्स ट्रैफिक पानी पर है और हमारे देश में केवल 3.5% है। हमने जैसा राष्ट्रीय महामार्ग का नेटवर्क खड़ा किया है, वैसे अब पानी का नेटवर्क खड़ा करने के पीछे हम लगे हैं। मैं जब मंत्री बना तो हमारे राष्ट्रीय महामार्ग केवल 96,000 किलोमीटर थे। देश में 52 लाख किलोमीटर की रोड लेंथ है, इसमें से राष्ट्रीय महामार्ग केवल 96,000 किलोमीटर में 2% राष्ट्रीय महामार्ग था और देश का 40% ट्रैफिक राष्ट्रीय महामार्ग पर था। हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। हमने निर्णय किया कि 96,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग को अब हम 2 लाख किलोमीटर बनाएंगे, ताकि इस देश का 80% ट्रैफिक राष्ट्रीय महामार्ग पर चलेगा और 5 लाख एक्सीडेंट का प्रमाण हम 50% से लाएंगे और लाखों लोगों की जान बचाने की हम कोशिश करेंगे। मेरा विश्वास है कि हम इलेक्ट्रिक कार ला रहे हैं, हम इथेनॉल, बायोडीजल और बायो सीएनजी पर गाड़ी या बसेस चला रहे हैं। मैं मनोहर लाल जी से अनुरोध करूंगा कि हरियाणा के बड़े बड़े शहरों में गंदा पानी है। मैं नागपुर से हूं, मैंने अपने शहर का टॉयलेट का पानी 18 करोड़ रुपए पर साल रॉयल्टी के हिसाब से महाराष्ट्र सरकार को बेच दिया है। वो पावर जनरेशन के लिए उपयोग आ रहा है। अब उस पानी से हम लोग मीथेन निकाल रहे हैं, मीथेन से CO2 अलग करके बायो सीएनजी निकालकर हम 100 बसेस, एयर कंडीशन बसेस नागपुर की उस बायो सीएनजी पर चला रहे हैं। 50 बसेस इथेनॉल पर चलती है जो किसान तैयार करता है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बदल रही है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम भी बदल रहे हैं। मुझे और एक खुशी है कि देश का एक पहला प्रोजेक्ट, इनोवेटिव प्रोजेक्ट, हम धौलाकुआ से मानेसर तक बना रहे हैं। आज ही अभी मुझे दिया है ये, इसका पहला स्टेज जो है 12.3 किलोमीटर, ये हवा में आप चलोगे, बड़े बड़े पिलर रहेंगे उसके ऊपर हवा में पॉइंट्स चलेंगे, एयर कंडीशन पॉइंट्स होंगे, मेट्रो के स्पीड से चलेंगे और ये जो है ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप पहुंच रहे हैं। और ये पहला इसका डिजाइन भी हमने बनाया है, इसका टेंडर भी निकला है और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि ये काम
जून 1 जून के पहले हम हरियाणा में शुरू कर रहे हैं और इसमें से आप हवा में चलते जाओगे और वो पवन के कारण ना धुआं होगा ना पोल्यूशन होगा और इसका कैपिटल कॉस्ट मेट्रो की 250 रुपए पर किलोमीटर है। हमने जो टेक्नोलॉजी ढूंढी उसकी कॉस्ट 50 करोड़ पर किलोमीटर है। और मनोहर लाल जी, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये पूरा आपका जो रिंग रोड है, ये पूरे रिंग रोडों को एक चक्कर हम ये हमारे मेट्रिनो सिस्टम के भी लगा देंगे तो कम पैसे पे इलेक्ट्रिक पर लोग कहां से कहां पहुंचे पता भी नहीं चल जाएगा और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। मेरा विश्वास है कि हरियाणा एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। आने वाले समय में हमको हरियाणा को मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आप आगे जा रहे हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की बात सरकार सोच रही है। अच्छे रोड बनने चाहिए, इंडस्ट्री आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए और उसके साथ साथ हरियाणा को एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य करके पहले नंबर पर पहुंचाने का कार्य आप कर रहे हैं। आप बड़े नसीबवान हैं कि आपके यहां 96% इरीगेशन है। मैं जिस राज्य से आता हूं वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे 18.5% केवल हमारा इरीगेशन है। अब पानी की किल्लत है पर आपके पास पानी ही पानी है। मेरा विश्वास है कि यहां किसान भी प्रगति और विकास की ओर जाएंगे, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बनेगा और उसके साथ साथ इंडस्ट्री भी आएगी, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और पूरे देश में हरियाणा एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न, एक पहले क्रमांक पर एक विकसनशील राज्य के रूप में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा कामयाब होगा, यह मेरा विश्वास है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत एक कठिन प्रोजेक्ट को जो कोर्ट में अटका हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर चला गया था, समस्याएं जटिल बनी हुई थी, कॉस्ट बढ़ चुकी थी, प्रश्न गंभीर थे, पर मनोहर लाल जी ने इसमें ध्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट को बहुत खुशी होगी कि उन्होंने जो आदेश दिया उसका पालन हरियाणा के सरकार ने किया है। मैं फिर से एक बार देश की जनता की ओर से, दिल्ली की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जनता की ओर से, आप ट्रैफिक जाम से जो मुक्ति दिलाने का एक बड़ा काम आपने किया है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं और इसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। और आपने जो जो बातें कही है, जो वादे मैंने किए हैं वो मैं पूरी करूंगा, यही विश्वास देकर अपने भाषण को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद।